हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले एचयूएल शेयर्स के बारे में, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, और तीन चार नई वीडियो आ चुकी है तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इनफैक्ट आई बटन पे मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि आगे एचयूएल शेयर्स में क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एचयूएल शेयर्स की मैंने चार्ट ओपन कर दिए। राइट नाउ एचयूएल शेयर 2636 रुपीज में करेंटली ट्रेड कर रही है और मार्केट में इसकी बहुत ही अच्छी नामी कंपनी है। एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ही नामचीन कंपनी है और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है ये कंपनी। तो कितना प्रॉफिट बना के दे सकती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या सपोर्ट लेके चलना है। तो ऑफकोर्स आपका टारगेट तो आपने खुद थंबनेल में देख लिया होगा, 300 प्लस की टारगेट मैं खुद दे रहा हूँ। क्यों? रीज़न क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट बनाने में आपको कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो ये उस तरीके की कंपनी है जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2636 रुपीज़ पे जो कंपनी ट्रेड कर रही है आज के दिन 1.09% ऊपर जाते हुए दिखी है। यहीं पे अगर हम लोग मैक्स पे, सबसे पहले मैक्स पे जाके देख सकते हैं कि ये किस पॉइंट पे कंपनी थी और अब किस पॉइंट पे मूव करते हुए दिख रही है, मतलब बहुत ही अच्छी खासी। 5 ईयर्स पे ध्यान दें तो लगातार रिटर्न बनाते हुए दिखी है ये कंपनी, अच्छी बात है। और यहाँ पे 1 ईयर में भी देख सकते हैं अच्छी खासी उतार चढ़ाव रही है। अब 6 मंथ पे ध्यान दें तो यहाँ पे इस पोजिशन पे ट्रेड कर रही थी, कंसोलिडेटिंग स्टेज थी एक तरीके से, और अब ट्रेंड लाइन ऊपर है। तो अब जो ट्रेंड लाइन ऊपर की है, अब ये ट्रेंड लाइन आराम से आपको टच करते हुए दिखेगी, वो भी बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मैंने अपने पुरानी वीडियो में, एचयूएल की पुरानी वीडियो में, आप यहां पे मे बी होगा, आप लोग देख पाए होंगे। तो अगर मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए होंगे तो मैं लगातार आपको टारगेट देते रहा हूं। तो अगर आप लोग को पता था, मतलब मैंने बताया था कि ये अच्छी खासी 2700 तक की टारगेट नेक्स्ट मंथ तक मैं पहुंचा सकती है। 2700 टू 2600 की बात मैंने की थी और ये देख सकते हैं अच्छी खासी टारगेट ऊपर जाते हुए दिखी है और इनफैक्ट सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं की और अच्छी खासी मूव अपनी दिखाई है। और अब टारगेट है 3000 तक की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन वर्क करने वाली। अब रीजन इसके पीछे क्या है, तो सबसे पहले वो सारी चीज को जानने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्वांटिटी आते हुए दिखी है। तो आज 59.97 क्वांटिटी आते हुए दिखी है एचयूएल की। यहाँ पे अब इस साइड पे मूव करते हैं तो कैसी शेयर्स है, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न को अच्छे तरीके से समझेंगे। पर उससे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मनी कंट्रोल की तरफ से क्या रिकमेंड किया गया, 56% बाय 44% सेल। हाँ, ये देखिए, याद रखिएगा 44% सेल, इसके पीछे रीजन बताऊंगा क्यों क्यों ऐसा बात रिकमेंड किया जा रहा है। इनफैक्ट प्रमोटर होल्डिंग सब अच्छी खासी है, इस चीज को मूव करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर मेजर, सॉरी हिंदुस्तान यूनिलीवर में रिपोर्ट आया है 11% ग्रोथ का, आप खुद समझ सकते हैं इसके नेट प्रॉफिट से। और वो भी मतलब ऐसी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग, मोस्ट लीडिंग ब्रांड समझिए, तो ये है। और इसके चल इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है तो वो अच्छी बात है मार्केट के लिए। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिर्फ 11% ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश भी करती है इन्वेस्टर को, क्योंकि इतने टाइम तक पैसा लगा के रखे और सिर्फ 11% ग्रोथ बने तो ऐसा उन्हें अच्छा नहीं लगता। पर ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत करती है, पर अभी एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है। अभी ये टारगेट आपका 3000 का। अब मैं बताया कि सेल जो लगा हुआ था यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से, सेल के साइड रिकमेंड किया गया था, तो क्यों? रीज़न अभी ये है, 1 ईयर पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक को ये कब में ब्रेक की है, 2859, तो इतने पे ये ब्रेक, मतलब ये इसकी 52 वीक हाई है। अब अगर इसको ब्रेक करेगी तब ना ये 3000 टच करेगी, तो पर यहाँ पे ये ब्रेक करने वाला सिचुएशन बहुत हार्ड होता है। अब जब तक इसमें कोई इन्वेस्टमेंट सबके रिगार्डिंग न्यूज़ नहीं आएगा तो मनी कंट्रोल में चेंज नहीं होगा ये बात। पर यहाँ पे जो मेनली ये आती है, तो यहाँ पे 2800 को ब्रेकआउट देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही ये 2800 को ब्रेकआउट देती है तो उसके बाद चांसेस रखिए कि आराम से 3000 तक जाते हुए दिखेगी ये शेयर। तो अब हम लोग 3 सपोर्ट्स और 3 रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, चार्ट पैटर्न पे मूव करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, अब टारगेट थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देना था। यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 3000 की टारगेट, यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान शेर खान की तरफ से 2850 की टारगेट। लगातार सब अपनी अपनी टारगेट दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं हमें कितना टारगेट रखना चाहिए। यहाँ पे अभी इस तरीके से इस पॉइंट पे अभी सबसे पहले इसकी सपोर्ट कहाँ पे आती है, तो इसकी जो सबसे पहली सपोर्ट आ रही है यहाँ पे
2,550 पे इसकी सबसे स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रही है, और उसके बाद 2,500 पे इसकी स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रही है, देन 2,480 पे इसकी थर्ड स्ट्रांग सपोर्ट क्रिएट हो रही है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, तब आपको अच्छा फ्लो देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अब यहाँ पे एक और चीज़ पर ध्यान दें कि और कितनी ये ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहला आप अपना टारगेट तो 2,700 तो रखना ही, आपको 2,800 पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन आता है, क्योंकि अगर वहाँ पे वो ब्रेकआउट दिखा दी तो आराम से 3,000 टच करते हुए आपको दिखेगा ये शेयर और प्रॉफिट बनते हुए दिख जाएगा। और कुछ भी डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। थैंक यू।